जितनी पैसे लेती हैं तो ये फिर सेक्स करने देती है, चार सौ आसमान में जितनी मखलूक है उस सबको फना होना है। यहाँ पर कितनी बच्ची है, ये तो काफ़ी ने कुड़िया 15-16 ने जो आप ही काम कर दिया ने क्वानिटी टाइप दिया ने, कोई मेरे तो वही उम्र दिया जो इतने सारिया काम कर दी अच्छ घट दो आई ने। आपके पास कितनी है? मेरे पास है दो ने जो अच्छा कुंवरियाँ कितनी है और शादीशुदा कितनी? कुंवारी कोई लड़की नहीं इतनी है सब शादी। आप देखें मैडम मैं आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप धंधा अगर चला रही हैं तो आखिर वो भी तो होंगी आपके पास। नहीं नहीं मेरे चार बच्चे। आप किधर की रहने वाली हैं? हम मुल्तान के। मुल्तान के सरायकी बोलती हैं? नहीं बस ऐसे ही बोलती हैं। नहीं मेरी गल चैनल 101 मूवी बनवा चुके हैं इत्थों अड्डे च लैके गए हैं तो किसी के रबता करते रहो कहते तियाँ थोड़ियाँ है साढ़े ना रिश्ता कराना। आप वजीर आला के दफ्तर आए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप नहीं नहीं आप कसम खाएं, आप कसम खाएं मैं कल लाऊंगी मैं आपकी आपको राशन भी देता हूँ, आपको 5-10 हज़ार रुपया भी मिलेगा ठीक है। आप कुरान पे हाथ नहीं नहीं भी देइए अपना, मेरे चार बच्चे ने रेंट भी देइए सारा कुछ करिए कितों करिए सी दसो ना कितों करिए मनु दसो ना तुसी जवाब दो मनु। ऐसे ऐसी मजबूर बहने माजूर लोग हैं वो बेचारे टोफियाँ बेच कर गर्म अंडे बेच कर चिप्स बेच के पकौड़े बेच के अपने घर का चूल्हा चला रही हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया अपने शोहर के लिए दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान वाजिद अली बलोच। नाज़रीन अकरामी इस वक्त पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर शख्सियात मेरे दरमियान मौजूद हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी टीम भी है जो हम इस वक्त अपने मिशन पर जा रहे हैं पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं। हम किन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान को शहीदों के शहर को बदनाम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? काल गोर लड़कियां जो रोडों पे खड़ी होती हैं, फैसल टाउन चले जाएं, अंडरपासों के पास चले जाएं, ट्रक कट्टे पे चले जाएं, हीरा मंडियों की गलियों में चले जाएं, न जाने कहां कहां जिस्म फरोशी हो रही है। हमारे इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा सफाई से चल रहा है, बड़ा अच्छे से चल रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और आपने ये मुकम्मल हमारा प्रोग्राम देखना है। तो मेरी टीम आ चुकी है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर घर घर में बता क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी हैं? बिल्कुल रेडी। जी सर आप बता के भी आए हैं और इंशाल्लाह और जो गलत लोग हैं उनको हम जो है मीडिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से ये वारदात करते हैं। जिनको बेनकाब करते हैं, एक्सपोज करते हैं, बैठे गाड़ी में बैठे चले 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 कम ऑन लेट्स गो मूव। बात तो सुखा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम आपको नुकसान हम आपको नुकसान पहुंचाने हरगिज नहीं है, हम आपको नुकसान पहुंचाने हरगिज नहीं है, आपकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए उन्होंने कितनी प्यारी बात की है, अगरचे हमें मकान गिरवी मिल जाए और क्या मांगे, क्या 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 मिल जाए, इधर आ जाए इधर आ जाए। 50,000 रुपया मुझे एक माह का मिलता रहे तो मैं घर पे बैठ के अपना गुजारा कर सकती हूँ और थाने में भी लिख के दूंगी और मोहल्ले में भी अपनी गवाही दूंगी कि मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। कितना कितना पैसा अगर मिल जाए? 50,000 रुपया। 50,000 रुपया? 50,000 रुपया। हाँ जी भाई जरूरत नहीं वीडियो आंटी वीडियो नहीं बनानी, क्यों नहीं बनानी, क्यों ऐसी वीडियो नहीं बनानी? नहीं नहीं आपको किसी ऐसी वीडियो नहीं बनानी बस। नहीं तो आप छोटे छोटे चलो आंटी नहीं करो तुसी, आंटी तू ही कराया करो। बात तो सुन ले, मेरी बात सुने। एक्सक्यूज मी मैम। नहीं सर शादी में अच्छा ठहरो, काम करनी है। अच्छा वो बच्चियां मैं इंटरव्यू दे रही है तो आप उनको क्यों जेन उनका खराब कर रही है? क्यों मेरी सिस्टर क्यों दे रही है? आप आंटी ना लगो तुसी जा देखे देखे सर अभी आप मेरी गल कौन पूरे पाकिस्तान का मसला हल मीडिया करता है ठीक है? नहीं एक मिनट मुझसे शादी करो इतने फोन आए हैं ठीक है? अच्छा एक चैनल पे है किसे बताया बताया कुछ कीता है? जो भी फोन आता वही कहते हैं हमारे से शादी करो ये फिर इंटरव्यू देने का क्या है? शादी करो निकाह नहीं निकाह निकाह की ऑफर करते हैं ना आपको? निकाह की ऑफर मदद तो कोई नहीं करता है ना। कितनी आपकी मदद होनी चाहिए हैं? कितनी कम से कम हमारे बच्चे 3 बच्चे हाँ। स्कूल पढ़ते हैं ठीक है? आपको 5-10 हज़ार का चेक लिख दूं आप छोड़ देंगी? 5,000-10,000 से गुजारा होता है? नहीं फिल वक्त लिख के दें यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ आप काम छोड़ दें कुरान पे हाथ रखेंगी? 3-4 एंट्रू दिए नहीं आप कुरान पाक पे हाथ रखेंगी मुसल्ला रसूल पे खड़ी होकर कसम खाएंगी? में गुजारा ही नहीं है इतने
चाहता हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स पाकिस्तानी ओवरसीज देखेंगे वो आपके साथ तावन करेंगे। देखिए हम आए हैं, हमने आपको अपनी जबान से आंख से हाथ से कोई नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया ना, हम आपको सिस्टर बहन कह के कह रहे हैं कि आपके ऐसे क्या मजबूरियां हैं कि आप लोग ये गलत काम करवाने का फायदा उठाते हैं ना। शादी कर लो, सऊदी अरब से फोन आते हैं शादी कर लो, हमने शादी करनी होती है। थोड़ा सा आगे आ जाए, शोर इतने इतने बच्चे हैं। मेरे चार बच्चे। आप किधर की रहने वाली हैं? हम मुल्तान के। मुल्तान के, सरायकी बोलती हैं? नहीं बस ऐसे ही बोलती हैं। आपका नेम बाजी? सना। सना जी देखें पाकिस्तान में वैसे काफी इदारों में गलत काम हो रहा है, इन कामों में हम लोग खुद भी मुलविस हैं। अगर देखें वो भी माएँ बेटियाँ हैं जो गरीब होने के बावजूद किसी अमीर की कोठी के अंदर जाकर बर्तन धोकर सफाइयाँ करके वो भी तो घरों को चला रही हैं, घर का चूल्हा। आप क्यों इस गलासत में पहरा आपने रखी है? तो देने वाला हो ना कोई, कौन देता है? कितने पैसे चाहिए आपको माने? नहीं सबको इंटरव्यू दिया बस करके चले जाते हैं। आपको राशन भी देता हूँ, आपको 5-10 हज़ार रुपया भी मिलेगा, ठीक है? आप कुरान पे हाथ नहीं नहीं भी दे अपना, मेरे चार बच्चे ने रेंट भी दे, सारा कुछ करिए, कितों करिए असी, दसो ना कितों करिए, मैं दसो ना, तुम जवाब दो मनु। ऐसे ऐसी मजबूर पहने मजदूर लोग हैं वो बेचारे टोफियाँ बेचकर गरम अंडे बेचकर चिप्स बेच के पकौड़े बेच के अपने घर का चूल्हा चला रही हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया अपने शोर के लिए दिया। अपनी मर्जी ऐसी करिए जो ना करिए, किसी ने कोई मसला है? मसला है की मसला है? हमारे कौम और मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। होटलों जाओ ना, हर जगह से जाओ, उठे जाओ, इतने की है मैंने तो दसो ना। होटल में भी रेट डाल के आ गए होंगे? हाँ होटल तो जाओ सोने, कितने मर्जी जाओ, साढ़े नाल क्यों साढ़े ना कहते, दो तीन आए ना, खुद बनवाइए, आधी मजबूरी हल की आंटी आंटी रब गवाह है, साड़ी को फैमिली वेह भी रहे तो सानू टेंशन नहीं है, लेकिन साड़ी मजबूरी सी, ठीक है ना, कोई शौक नाल अपना तन मन किसी नहीं देता, असी किसी दी धी भैन हाँ तो किसी की इज्जत हैगी सर, ठीक है ना। तो गल कर, आप किसी की धी भैन है किसी के, आप किसी की बहन बेटी है ऐसे ही ना, एक सेकंड मेरी भी बात सुनो, आप किसी की बहन बेटी है, सख्त सर्दी में खड़ी है, जी जी ठीक है, इंसान है ना। क्या क्या यही काम आपको दुनिया में आखिरी मिल गया था कि ये करवाना, फिर अपने बच्चों को रोटी खिलानी है? कल को वो बच्चे क्या आपका कहना मानेंगे आप जो उनको हराम खिला रही है? सारी दुनिया कर दी, असि नौकरा कर रहे हैं। सारी दुनिया कौन कौन सी करती है? बस मजबूरी है ना, एक डांसर औरत भी होती है ना, देखे नहीं तुसी, मैंने 30,000 तनख्वाह लाओ असि छाड़ देने का। कितनी? 30,000, ठीक मैं लगवा देता हूँ। बात तो सुनो, मेरी बात सुने, मेरी बहन बात सुने, 30,000 की बात है ना, मेरा ईमान है ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, 30 के आपको 60,000 रुपया दे सकते हैं। आप अपना एड्रेस बताएं, अपना मुझे नंबर दें, ठीक है, मैं आपको अपने दफ्तर बुलाऊंगा और जो पाकिस्तानी आपके साथ ताउन करेंगे मैं डायरेक्टली फेस टू फेस आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस बहन को चाहिए ताउन। और मुझे ये बताएं बच्चे कितने हैं? बच्चे चार हैं। चार बच्चे हैं, शोर क्या करते हैं? वो डिवोर्स दे दी उसने। डिवोर्स क्यों दी है? बस ऐसे ही। नहीं नहीं कुछ उसने गलत, देखो गरीब समझ के दे दी, बस तुम गरीब हो इस वजह से। गरीब है? नहीं गरीब तो हजारों लाखों करोड़ों है दुनिया में, उनको भी डिवोर्स नहीं होती, तो कुछ गलत काम आपने किया होगा या ऐसी खामी उन्होंने? कोई वजह नहीं थी, बस उसने शादी कर ली थी दूसरे। उधर चेहरा उधर। शादी कर ली थी किसके साथ? औरत के साथ की थी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको उसने क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही छोड़ दी। नहीं फिर भी बस कोई वजह थी। अच्छा ये जो आते हैं न्यू जनरेशन आपके पास, ये कितनी पैसे लेती हैं तो ये फिर सेक्स करने देती हैं? 400-500 देते हैं। 400-500 कितने टाइम का? बस यही 5 मिनट का। नाजर मुझे बड़ी शर्म से ये बातें करनी पड़ गई क्योंकि प्रोग्राम ही कुछ इस तरह का ही है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत कमेंट्स ना करें, हम इनकी मजबूरियाँ जान रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा कोई ऐसा पैगाम दें कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर?
रही है? नहीं, कोई मदद नहीं करता। नहीं, आपने आपने अभी कहा है कि मुझे 30,000 रुपया 30,000 रुपीस दे दे महाने के, मैं कोई जॉब कर लूंगी, ऐसे ही? हाँ, जॉब जॉब किधर, क्या करूंगी जॉब, बताएं मुझे। कोई भी ऐसी जॉब मिल जाती है? 30,000 से जॉब होती है? कितनी हजार से होती है? नहीं बताएं, 30,000 से जॉब होती? 30,000 रुपया थोड़ा है? क्या थोड़ा है? बच्चों एक माली होता है ना पार्क में, सारा दिन सर्दी के अंदर पानी लगाता है, वो भी 15,000 से 16,000 रुपए लेता है मेरी बहन। तो आपको कोई पाकिस्तानी 30,000 रुपए दे दे तो आप कह रही है कि 30,000 रुपए भी कम है? माँ का 30,000 आप गुजारा हो जाता आप लोगों का? मेरा 18,000 से भी हो जाता है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर आप अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करती? अल्लाह का शुक्र करें जितने में भी गुजारा होता है। आपको कोई टोफियों की, पापड़ की, कोई चीज की छोड़? 30,000 दे, मैं छोड़ दूंगी ये काम। कौन सी जॉब पसंद करोगी? कोई काम सीखा हुआ है? मेरा कहने का मकसद, शॉप तो डाल नहीं सकती 30,000 से, बताया मुझे शॉप डाल सकती, करे ये बताया डाल सकती है मेरी बहन, मुझे ये बताया आपने कोई कोर्स किया हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो तालीम कितनी है, क्वालिफिकेशन? नहीं है, तालीम भी नहीं है और कोर्स भी नहीं किया हुआ। ये कुछ आपकी तो भी गलतियाँ हैं। अभी माँ बाप की गलती है, हम पैदाइश कब, हमारी पैदाइश हुई थी, आप तब से पढ़ने लगे। माँ बाप की गलती है, माँ बाप ने आपको पाला पोसा, परवरिश की, नौजवान किया, शादी की, फिर आपको एक खूबसूरत बंदा भी मिला, बंदे ने भी डिवोर्स दे दिया आपको, फिर आप कह रही हैं कि ये माँ बाप की गलती है। कितने आदमी हैं, क्या लोगों की शादी नहीं होती दूसरी? होती है तो वो किसी की नहीं, बस गुजार। आपकी तो रोजाना शादी होती है इन लोगों के साथ, तो फिर 5 मिनट की शादी होती है। हाँ, मुझे इसलिए ये अल्फाज कहने पड़ गए, आपने खुद अपने मुंह से इकरार किए हैं। देखें ये फोन कौन कर रहा है? कोई काम वाला और कौन कर रहा है? जरा दिखाएं, पुलिस वाला तो नहीं है? नहीं, पुलिस वाला है, किधर से पुलिस वाला? एक सेकंड, तो नहीं नंबर हम किसी को देते नहीं, 15 नंबर सारे आए, नंबर नहीं दिखता है। मैं ये आपका मोबाइल वापस करके जा रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ एक तरबियत करने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुने, ठीक है? आप हमारे से राम से भी बात कर रहे थे, हम मीडिया वाले, ठीक है? आप अदब के साथ बात, ठीक है? आप ऐसे कैमरे लेके पीछे, हम नहीं, कैमरा ये एक सबूत है, आपको कैसे पता? नहीं, मैंने आपके नकाब की तरफ उंगली की है? नहीं की ना, हमारे भी रिश्तेदार हैं, के 8 बंदे खड़े हैं, किसी की जरूरत थी कि आपको छेड़े? सारे बॉडी बिल्डर खड़े हुए हैं, किसी ने आपको बात की है? नहीं। किसी ने आपको आंख से, हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से तकलीफ दी हो तो मुझे बताएं मेरी बहन। नहीं नहीं, किसी का क्या आंख है, हमें आपके साथ अदब और एहतराम से पेश आ रहे हैं कि मेरी बहन आप बताएं। ऊपर से वो आपकी वो किंग लीडर किधर गई है? किंग लीडर वो भाग गई है, देखें जी। कोई इंसान ये शौक से काम नहीं करता, हम अपना जिस्म बेचे 400-500 के, घरों में भी काम किया, फैक्ट्रियों में भी काम किया, सब इज्जत खराब कर देते, बस बच्चे थे, गुजारा नहीं था, यही काम कर लिया। टोटल पैसे 30,000 रुपए भी बहुत कम है, कम से कम आपको कितने पैसे मिलेंगे तो आपके 4 बच्चे पलेंगे? नहीं, एक सेकंड प्लीज, आपके 4 बच्चे भी पलेंगे, आपका पेट भी पलेगा। 30,000 में ये शॉप डल जाएगी? क्यों नहीं डल जाएगी? कौन कहता है मुझे? अल्लाह की बंदी, 4,000 रुपए की मैंने एक बंदे को रेडी लेके दी है, 2 अमरूद की पेटियां डलवा के दी है, आप यकीन करें, अल्लाह के साथ गवाह है, रात के 12:30 बज चुके हैं, वो बंदा 800-900 रुपया कमा रहा है, 800-900 रुपया वो अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिला रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं, देखें पाकिस्तान में अक्सर नाज़रीन आप देखते हैं, कभी औरत के साथ ज्यादती हुई उसको बाद में कत्ल कर देते हैं, कभी गंदी नाली में फेंक दिया जाता है, कभी उसे उठाकर नाले में फेंक दिया जाता है। ये माजी खड़ी है, इन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, ये माशाल्लाह ना टस से मासूम है, ना भागी है, ना दौड़ी है, ना इन्होंने हमें गाली गलौज दी। इन्होंने कहा बेटा मेरी मजबूरी है, मैं मोटापे की मरीज हूँ, मुझे ये बीमारी है और मेरे ऊपर कर्जा है, मैं मकरूज हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में कितनी सखी लोग हैं, इस माजी की हेल्प करें। और इन्होंने कहा मैं कुरान पे लिख के दूंगी, कुरान पे हाथ रख के कहूंगी, थाने में भी लिख के दूंगी, थाने में भी लिख दूंगी, जी मैं अपने मोहल्ले की, अपने मालिक मकान की सबकी गारंटी दूंगी कि मैं गंदे काम को छोड़ना चाहती हूँ, मेरी अल्लाह ताला ने मदद कर दी है। अच्छा माजी, आप की रिहाइश का किधर है? अभी मेरी इधर शेरा कोट में रिहाइश है। शेरा कोट में रिहाइश है? हाँ जी, किराए पे रहती है, 13,000 रुपए मकान का किराया, 3 माह का किराया मेरे सर पे चढ़ गया। हाँ जी, 13,000 रुपए रेंट है। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 बेटे हैं, एक बेटी, बेटी की भी शादी की है, बड़े बेटे की भी शादी की है, एक बेटा मेरा बड़े से छोटा बेटा जेल में 3.5 साल से, उसकी जमानत नहीं हो रही, अभी सुबह भी उसकी जमानत का पता नहीं होती है या नहीं होती। अच्छा, किस केस में गए? 324 में। 324 यानी कि क्या किया उसके साथ? 2 साथ
लड़के थे फायर लगाया नहीं फायर नहीं लगाया खंजर मारे थे उन लड़कों ने खंजर लगाए और मेरे बेटे को उन्होंने जान बूझ के फंसा दी। अल्लाह अल्लाह मदद करने वाला है। आप नहीं रोए ना प्लीज, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। मीडिया वाले जरूर है, हमारा दिल भी बहुत नरम है, हमारा दिल बहुत नरम है। अपने पैसे अपने पुत्र से मांग मांग के लोगों को लाए, पर मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। मेरे पुत्र ने चार जमानत कैसे लोगे ने पंजवी जमानत रखी, वकील ने मेरा धोखा किया। मैं कहता लै आप चलगा लै, मेरा बालक मुकाने जाके अपने ना चलगा दिता है। ठीक है बाद चो पता चलिया जी चार दिन पाँच दिनों ने मेरा फोन नहीं चुकया, मैं किसी को पता करवाया मेरे पुत्र की जमानत कोली हुई। मैं अपने पुत्र को जेले गई, मैं तेरी जमानत होगी इस लैन आ जाना। उन्हें कहा शुक्र है जो साढ़े तीन साल बाद मम्मी बाहर दिया वहां ना मांगा। मैडम जी आपका नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीना बीबी। समीना बीबी साहिबा, हाँ जी मेरा बेटा है कैंपस जेल च आई च रेहान जी। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रेहान। अच्छा माँ जी एक मेहरबानी करें, हमें सच सच बताएं, मरना है सबने, कुल नफ्स ज़ायकतुल मौत, जमीन और आसमान में जितनी मखलूक है उस सबको फना होना है। यहाँ पर कितनी बच्ची हैं? ये तो काफ़ी ने कुड़ियाँ 15-16 ने जिड़िया आप ही काम कर दिया ने क्वांटिटी टाइप दिया ने कोई मेरे तो वड्डी उम्र दिया में जिड़िया थे सारी काम कर दिया आज घट हो आईया ने। आपके पास कितनी है? मेरे पास है दो ही ने जिड़िया तुसी वेख। अच्छा कुंवारियां कितनी है और शादीशुदा कितनी है? कुंवारी कोई लड़की नहीं इतने हैगी सब शादी। आप देखें मैडम मैं आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप धंधा अगर चला रही हैं तो आखिर वो भी तो होंगी आपके पास। नहीं नहीं मेरे पास ये भी दो ही हैं, ये दोनों मंसूरा स्टाफ नहीं है उधर से आती हैं तो मैं इधर शेराकोट में रहती हूँ अपने बच्चों में फैमिली में रहती हूँ। अच्छा ये काम करने के आप लोग कितनी पैसे लेते हैं? बस मुख्तलिफ रेट दे देना, कोई 400 दे देना, कोई 500 दे देना। ड्राइवर आप भी करती हैं? नहीं मैं नहीं काम करती, बुजुर्ग है इसलिए। हाँ जी मैं नहीं काम करती। अच्छा यहाँ पर जो अच्छी बच्ची हैं हम उसके साथ बात करना चाहते हैं, अदब के साथ, अदब के दायरे में। बस दो ही ने मेरे को बोलते, दूसरे का ना मेरा कोई। अपने अखलाक से जरा ब्रीफ करें प्लीज। ये नहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, मजबूरी तो चोरी होती है तुम्हें पता है, फिर मजबूरी है ना दी। चोरी कर दी ने? चोरी कर दी ने बेचारियाँ अपने रिश्तेदारों तो के भी बदनाम हो जाए। यहाँ पर इतनी करोड़पति लोग हैं, ताजरों के बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, कंटेनर खड़े हुए हैं, ये आलू की पेटियाँ, सेब और इसमें केले बनाना ये वो यहाँ पे आके खड़ा है। यहाँ के ताजिर भी तो देखते हैं, हाजी भी तो आगे देखते हैं, नमाजी भी देखते होंगे, वकील भी देखते हैं, क्या वो आप लोगों को ये गलत काम से रोकते नहीं, हेल्प नहीं करते? मना करते ने, मारते कुटते ने सानू, ये तो नहीं भी सानू मना नहीं करते, मारते कुटते ने। असं कभी लोग के उस नुकरे बह जाने, कभी उस नुकरे बह के लोग के यार। माँ जी आप, आपकी इतनी मगरमच्छ की चमड़ी है जो आप मार भी खाती है ये काम भी करती है। मारते ने खा के फिर हाजी का की करिए, कि हाथ बुलाइए, कोई 100 रुपया नहीं देता, 100 रुपया ले लो तो चाय पी लो। चाय तो खैर मैं भी पिला दूंगा आपको, अदब के दायरे में मैं बात कर रहा हूँ। बेटा कोई भी नहीं इतने मदद करने वाला, कोई मुसलमान बंदा नहीं जरा हेल्प करे, कोई बंद नहीं, तो बड़े बड़े लोग ने, बड़े बड़े लोग देखते हैं सामने, कोई एक बंदा नहीं वेखता, बड़ी दुनिया सामने वेखती, साड़ियाँ चोरी तस्वीर बना के डाल। इमरान खान साहब ने 12,000 दिए, वो मिलेंगे नहीं? सच सच बता। नहीं मिले, चक चक्कर मेरे फोन मंगन, उन्होंने क्या फिर इतने मैं मंगन फिर जाड़ा को नहीं, मैं कई सब अगर फोर्स ने भी नहीं मदद की, नहीं किसी ने कोशिश भी नहीं, मैंने 12,000 रुपया कदों मैंने मिले आवे आया, उन्होंने कहा तेरे फिंगरप्रिंट साथ हम बात करना चाहते हैं। फिंगरप्रिंट जेड़ा ने ना फिंगरप्रिंट, मैं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे तशरीफ लाएं। फिंगरप्रिंट नहीं लगे तो कौन ने दिए मैंने बैर यार, प्लीज उनको जरा रोके, उनको जरा रोके। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12,000 ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਾਜੇ ਆਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਹਸ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਸੇ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਇਨਕੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅਦਬ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਕੀ? 47 ਸਾਲ। 47 ਸਾਲ ਇਨਕੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। और ये ट्रक है, ये कौन सी लोकेशन है, कौन सी जगह है? शेराकोट बकर मंडी ट्रक अड्डा, ये पहले बकर मंडी होता था, अभी ये ट्रक अड्डा बन गया। मैं यहाँ पर एक अर्ज करूँगा नाजरीन कि कसम ले लो कि वाकई यार इतनी सख्त सर्दी में ये देखे मेरे हाथ कैसे संगड़ गए हैं, तो ये माँ इन्होंने अपनी मजबूरी बता दी है। और हकीकत में जो हक में हक पे और सच पे होता है ना इंसान, वो सच बता देता है। इन्होंने कहा मेरा बेटा जो है ना वो हवालात में है, कैंप जेल में, और मेरी मजबूरियाँ हैं,
और बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। किराया आपके ऊपर सर पे कितना चढ़ा हुआ है? 39,000 रुपया, यानी कि 39,000 रुपीज इनके सर पे चढ़ चुका है। अच्छा, जब कोई गलत काम करने के लिए आता है तो औरतें आ जाती हैं, जब कोई गलत काम करता है औरतें आ जाती हैं, जब हम आते हैं तो किधर गायब हो जाती हैं? इनको पर भी नहीं लगे, उड़ के भाग गए, किधर चली गई? अच्छा, मेरे नाल दो ही आईयां ने, पहले मेरे नाल दो ही हुंदियां ने, इत्थे चार पांच बुढ़ियां होर ने जिहड़ियां इत्थे बैठदियां हुंदियां ने, ठीक है, अज कोई भी नहीं आईयां। अच्छा, मैं आपकी शादी करवा दूं एक बाबू जी के साथ? शादी नहीं, नहीं पता क्यों, देखिए हुण तुहानूं हराम लग गया है, मैं सच्ची गल करना पिया, मैं आराम छड़ देवांगी, तुसीं मेरे को जिथे मर्जी गरंटी लैणा, बस मैनूं महीने दा ना खर्चा मिलदा जावे। महीने के कितने पैसे मिल जाए? वही तो मैं 50,000 रुपया, मैं कह मैनूं 50,000 रुपया मिल जाए, मैं किराया भी 13,000 रुपया दे दांगी, मैं घर दा सोना सर्कल चला ला। 50,000 तो आप यहाँ से कमा रही है गलत काम से, इतनी डिमांड ना ना रखे ना, जो लोग रेशन करे मेरे साथ तो ज्यादा कमा ली दावे। कितना? ये तो रोज का 3,000 भी लिया जाता, 2,500 भी लिया जाता, 4,000 भी लिया जाता, लेकिन जो हलाल की खाइए ना वो तो थोड़ी ची भी गुजारा कर लीजा। अच्छा, हलाल की भी खाते रहे बरल हूँ गंदे कामों से अपने बच्चों की वजह तो पै गए। अच्छा माँ जी, मैं आप लोगों के लिए हिदायत की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे और आपकी जो मुश्किल हैं अल्लाह ताला उन पर आसानी पैदा फरमाए। नाजरीन, मेरे सामने इकबाल के शहीन खड़े हुए हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं और यहाँ के रिहायशी भी हैं, उनसे भी मज़ीद बातचीत करते हैं। और ये ट्रक के जो है ना ओनर कुछ अंदर सोए हुए हैं, कोई लड़कियों से गलत काम कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, एक मकाम है, एक जगह जहाँ पे होता है, हम वही बात आपको बता रहे हैं। उनसे भी जाके बातचीत करते हैं कि वो अपना मौकफ क्या देते हैं। मेट्रो चलाते हैं बेलफोर्ड? बेलफोर्ड। अच्छा, बेलफोर्ड। अच्छा सर, गुजारिश इस तरह, आपने अभी मंजर देखा होगा जिन लोगों को हमने एक्सपोज किया है। नहीं नहीं, उन औरतों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ट्रकों में गलत काम करवाती हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमेशा करती रहेंगी या ये बंद हो जाएगा अल करीब? ये तो उसका ईमान है ना, उनका ईमान है। ये तो उसका। यहाँ पर जो हमारे इदारे बैठे हैं, पुलिस फोर्स है और डॉल्फिन है, क्या वो चक्कर नहीं लगाती? शायद असी तो कम कराया गया, जो गरीब आज तक गोए सारा खुला है, आज तक बैठे हैं जो यहाँ पर आके गलत काम करती है लड़की है, तो आप लोग इनको समझाते नहीं है कि ये गलत काम है? ये आपको पता है पाकिस्तान का कहना है, किसी को समझाओगे तो ये तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। आखिरी पैगाम दे। अच्छा, इमरान खान साहब को? अच्छा रास्ता तो कोई भी नहीं चाहता, जो चंगी गैर माता जो तो नगर बैठी है। कोई आखिरी पैगाम दे? आखिरी पैगाम है कि महंगाई से गौर कर, माड़े बंदे भी सुनता दिन भर, हर तेल की जान चढ़ दें, तेल दें दे लोगों को मत मार दी फट के। आप तो फिर भी इतने बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं, ना ही बढ़िया था ट्रक का ना इधर समझ लो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक हमारे और भाई बैठे हैं जी, कैसे हैं? ठीक है। आप क्यों हंस रहे हैं? मैं वैसे आपकी तरफ देखकर हंस रहा हूँ। अच्छा, मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं? अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा, ये जो लड़कियाँ भाग के गई हैं, ये कौन थी यार? हमें नहीं पता है किधर से आती है, किधर चली जाती है, बस इधर इनको खड़े होते देखते हैं, बस खड़ी है। खड़े होते देखते हैं, बैठे हुए नहीं देखते? नहीं नहीं। तो जी नाजरीन, यहाँ पर सीधे साधे भी लोग मौजूद हैं, हमारे भाई हैं, मजदूर भाई हैं, ये गाड़ियाँ इनकी खड़ी हुई हैं, परदेसी हैं, जो ट्रक के ड्राइवर बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना मौकफ सामने रखा, लिहाजा हम प्रोग्राम को जो है ना समेट रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।